हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ डेली वर्कशीट वर्कशीट नंबर 31 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास सिक्स स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रोनाउंस इन दिस वर्कशीट सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम प्रोनाउंस के बारे में कुछ और सीखने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी वी ऑलरेडी नो दैट अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन यानी हम ये पहले ही जान चुके हैं कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं और नाउन तो आपको पता है नेमिंग वर्ड्स होते हैं तो बार बार नेमिंग वर्ड यूज करते हुए अच्छा नहीं लगता इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई ही शी इट यू वी दे म हर मी एंड अस देख रहे हैं? ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं ये वर्ड क्या कहलाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं देन क्वेश्चन नंबर वन इज अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज द फर्स्ट वन हैज बिन डन फॉर यू यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नीचे लिखे गए सेंटेंसेज हैं ना इसमें आपको करना क्या है जो प्रोनाउन वर्ड हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है पहला आपके लिए उदाहरण के तौर पे किया गया है जैसे देखते हैं देखो फर्स्ट क्या है हर नेम इज सुमन सुमन है है ना एंड फिर शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल वह एक इंटेलिजेंट लड़की है अब नेक्स्ट वाला करके देखते हैं हर मदर तो हर क्या है प्रोनाउन है हर मदर हैज मैनी स्टोरी बुक्स यानी उसकी मम्मी के पास बहुत सारी स्टोरी की बुक्स हैं कहानी की किताबें हैं एंड दे दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग वे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं थर्ड वी आर इंडियंस यानी हम सॉरी ये आर नहीं होगा वी आर इंडियंस यानी हम इंडियंस है, हैं हम भारतीय हैं एंड दे आर ऑस्ट्रेलियंस वे ऑस्ट्रेलियंस हैं यानी ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं देखो जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस कहते हैं ऐसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों को ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं फिर डी ऑल ऑफ अस ये क्या है ये प्रोनाउन है ऑल ऑफ अस नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर यानी हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर को कैसे यूज करते हैं जानते हैं ना और मुझे लगता है कि लगभग हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को कैसे यूज करना है फिर ई ही हैज न्यू कार उसके पास एक नई कार है इट इज अ रेड इन कलर वह रेड कलर की है तो ये दोनों ही और इट क्या है ये दोनों के दोनों प्रोनाउन्स हैं फिर एफ आई हैव आई क्या है प्रोनाउन है आई हैव स्टिल नॉट बॉट अ स्मार्ट स्मार्टफोन यानी मैंने अभी तक स्मार्टफोन नहीं खरीदा ठीक है तो आई क्या है प्रोनाउन है फिर जी वी वेंट टू मीट हिम एट इज स्कूल बट इज टीचर्स टोल्ड दैट ही वॉज एबसेंट यानी हम उससे मिलने उसके स्कूल गए कोई का मतलब हम और उससे मिलने उसके स्कूल गए बट हिज टीचर लेकिन उसके टीचर्स ने कहा कि वह एबसेंट है फिर माई ब्रदर इज अ डॉक्टर मेरा भाई डॉक्टर है डू यू नो हिम क्या तुम उसे जानते हो तो ये जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किए ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं हम प्रोनाउन की जगह यूज सॉरी नाउन की जगह यूज़ करते हैं बार बार हम उसका नाम तो नहीं लिख सकते ना वो अच्छा भी नहीं लगता इसलिए ये सारे के सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं और इन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं नाउ विल नो सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस यानी सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से होते हैं प्लूरल प्रोनाउंस कौन से होते हैं देखिए सबसे पहले बात होती है द फर्स्ट पर्सन यानी जब मैं अपनी बात कर रहा हूं इज द पर्सन स्पीकिंग जैसे मैं इस समय बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन कौन होंगे इज द पर्सन स्पोकन टू मैं जिसको बोल रहा हूं यानी मैं इस समय आपको बोल रहा हूं तो आप सेकेंड पर्सन हो गए ना फिर थर्ड पर्सन द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट और अगर मैं किसी के बारे में बोल रहा हूं तो वो थर्ड पर्सन हो यानी जब मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन मैं जिसको बोल रहा हूं वो सेकेंड पर्सन और अगर किसी और के बारे में बोल रहा हूं तो वो थर्ड पर्सन याद रहेगा अब इनके लिए हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं वो एक बार देख लेते हैं देखो जब फर्स्ट पर्सन बोलने वाला एक ही व्यक्ति हो सिंगुलर का मतलब एक ठीक है तो हम यूज करते हैं आई जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम स्पीकिंग फिर मैं अपने लिए और क्या यूज करूंगा माई यानी मेरा मी मुझको और माइन का मतलब भी मेरा ठीक है और अगर मैं अकेले की जगह कोई और दो व्यक्ति अपने बारे में कुछ बोल रहे हो एक से ज्यादा व्यक्ति अगर अपने बारे में बोल रहे होते हैं एक से ज्यादा लोग अपने बारे में बोल रहे होते हैं तो वो क्या क्या यूज करते हैं वी वी आर बॉयज यानी हम लड़के हैं वी आर गर्ल्स हम लड़कियां हैं ठीक है और उसके साथ हम आवर यूज करते हैं आवर का मतलब हमारा अस का मतलब हमको और आवर्स का मतलब भी हमारा ठीक है फिर अगर सेकेंड पर्सन हो यानी हम किसी दूसरे को बोल रहे हो किसी दूसरे से बात कर रहे हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं यू योर या, यानी तुम तुम्हारा योर्स वो भी मतलब तुम्हारा और अगर पुरल भी हो अगर दो जने भी हो हम जिससे बोल रहे हैं तो वो उसके लिए भी हम यू यूज करेंगे योर यूज करेंगे और योर्स यूज करेंगे ये कुछ निशानियां हैं जिनको आप याद रखिएगा कि ये प्रोनाउंस होते हैं और थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बोल रहे हैं जैसे हम बोलें कि ही इज अ बॉय है ना तो हम तीसरे पर्सन किसी तीसरे पर्सन के बारे में बोल रहे हैं जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं तो हम उसके लिए यूज करेंगे ही और फिर अगर वो लड़का है तो हम बोलेंगे जैसे हम बोलें कि he use his bicycle, his, अपनी बाइसिकल यूज हिज का मतलब उसकी या उसका और हिम का मतलब भी उसका उसकी होता है ठीक है और शी लड़कियों के लिए शी लगाएंगे हर लगाएंगे और हर्ज लगाएंगे और अगर वो हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में ऐसे पर्सन के बारे में बोल रहे हैं जो एक से ज्यादा हूँ तो हम यूज करेंगे दे यानी वे हिंदी में कहते हैं वे दियर यानी उनका, मतलब उनका और दियर्स का मतलब भी उनका तो हम यूज करते हैं ना जैसे दे आर बॉयज दे आर गर्ल्स वे लड़कियां हैं वे लड़के हैं दे आर यूज देयर पेंसिल्स यानी वे अपनी पेंसिल यूज करते हैं एक से ज्यादा तो इस तरह से हम अगर हमें सिंगलर प्रोनाउन लगाना है फर्स्ट पर्सन के लिए कौन सा लगाना है प्लूरल लगाना है तो कौन सा लगाना है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन इस तरीके से हम प्रोनाउंस यूज करते हैं आप इनको अच्छे से याद करना नाउ विल मूव ऑन एक्सरसाइज देखो अब सेकेंड क्वेश्चन चूज द करेक्ट प्रोनाउन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स अब राधा बॉट हम क्या लगाएंगे राधा लड़की है ना तो हम यूज करेंगे हर राधा ब्रॉट बौ, हर बैग एंड लेट क्या आएगा इट आएगा क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है ठीक है राधा ब्रॉट हर बैग एंड लेट इट ऑन द टेबल यानी राधा अपना बैग लेकर आई और उसने उसे टेबल पर रख दिया फिर इसके बाद लिव इन अवज हाउस डैश इज अ ज्वाइंट फैमिली तो हम अस यूज करेंगे या वी यूज करेंगे जब एक से ज्यादा जने अपने बारे में कुछ बताते हैं तो वी यूज होता है वी वी लिव इन अज हाउस यानी हम एक बहुत बड़े घर में रहते हैं और योर्स इज अंट फैमिली या आर्स इज अ इज अंट फैमिली तो वी के साथ हम हमेशा योर्स लगाते हैं ऊपर अगर ध्यान से समझोगे तो हम आवर्स लगाते हैं आवर्स इज अंट फैमिली यानी हमारी ज्वाइंट फैमिली है फिर द टीचर्स कॉल्डेड वी आएगा या अस आएगा टीचर ने हमको डांटा तो अस आएगा वी नहीं आता है ना तो द टीचर अस फॉर अब क्या आएगा बताओ फॉर आवर बिहेवियर टीचर ने हमें डांटा क्यों डांटा हमारे बिहेवियर के लिए और इसके बाद एंजॉयड द पार्टी एट डैश प्लेस अब क्या आएगा दैम आएगा या दे आएगा दे आएगा दे, दे एंजॉयड पार्टी यानी वे पार्टी एंजॉय कर रहे थे कर, है ना उन्होंने सॉरी कर रहे थे नहीं दे द पार्टी उन्होंने पार्टी एंजॉय की एट कहां पर एट आर प्ले आर प्लेस आएगा या क्या आएगा सोच के बताओ इसमें आएगा आवर प्लेस ठीक है ओ यू आर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओ यू आर यानी दे एन्जॉयट द पार्टी वे पा, उन्होंने पार्टी एंजॉय की कहाँ पर हमारे प्लेस पर हमारी जगह पर इस तरह से हमें इसको लिखना सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क और अब तो स्कूल भी जाना है ना तो मास्क लगा के जाना और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाना क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच